अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अंडे के आमलेट बनाने जा रहे हैं, वो भी मैगी मसाला डाल के। थोड़ा काली मिर्च और ज़ीरा भी डालेंगे। ब्रेड मैंने ले ली है, ब्रेड के साथ बनाएंगे। तवे पे मेरे तेल चढ़ा हुआ है और इधर मेरी चाय भी तैयार हो रही है। ये है मेरा सुबह का नाश्ता। नाश्ता नहीं किया है, अब करने जा रहे हैं। एक टी स्पून ये मैगी मसाला निकलता है एक पैकेट में, आधे से कम डालेंगे क्योंकि एक ही अंडे का आमलेट बना रहे हैं। काली मिर्च और ज़ीरा भी डाल देंगे। इस अंडे को अच्छे से फेंट लिया है, नमक डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक चौथाई चम्मच जो मसाला डाला था उसमें अच्छा खासा नमक है। तेल को तवे में फैला लेंगे, गर्म हो चुका है ये। अब आमलेट डालेंगे। दोनों ब्रेड को एक साथ पलट देंगे और हल्का इसको भी सेक लेंगे। ये सिक रहा है, इसको फिर से पलट लिया। देखिए मेरी गोल्डन ब्राउन ब्रेड हो चुकी है। ये मेरा ऑमलेट और ब्रेड का सैंडविच तैयार हो गया है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दुआ में ज़रूर इस दोस्त को याद रखें। जो मैगी मसाले के दीवाने हैं उनको ये बहुत तरीका पसंद आएगा। बहुत टेस्टी बना है ये। अब इसको चाय के साथ खाएंगे। चाय मेरी तैयार थी, मैंने बीच में दिखाया भी था आपको। अब इसको हम छान लेंगे। सुबह का वक्त है, चाय मुझे भर के ही अच्छी लगती है। मीठी चाय पीते हैं। देखिए ये अंडे का सैंडविच ब्रेड के साथ और ये गाढ़ी सी चाय। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपी और मेरा नाश्ता। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, मेरी सेहत के लिए दुआ करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।